नमस्कार रुवा लोग, आज तक देख रहल बानी। हम रुवा सबके साथे बानी है नैना। हमनी के आपन नया सेगमेंट के शुरुआत दिन के 5 बड़ खबर से करत बानी जा। देश बेसब्री से इंतजार कर रहल बा कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम चंद्रमा के सतह पर उतरी। इसरो कुछ समय पहले एगो ट्वीट जारी करके कहले बा कि अब तक के योजना के मुताबिक मिशन आगे बढ़ रहल बा। दूसर ओर मिशन के सफलता खातिर देश भर में दुआ हो रहल बा, आशीर्वाद मांगल जा रहल बा। भोपाल में भी चंद्रयान खातिर पूजा पाठ चरण जारी बा। कल एगो नया इतिहास बने वाला बा। आ एकर महिमा भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिकन के माथा बांधे वाला बा। काल्हू चंद्रयान 3 खातिर निर्णायक होखे वाला बा। देश के वैज्ञानिक आशावादी बाड़े। उ लोग कह रहल बा कि अब की बेर गलती के मार्जिन नगण्य बा। पूरा देश ओह समय के इंतजार करत बा जब हमनी के विक्रम आ प्रज्ञा चंद्रमा के सतह की ओर आखिरी सफर शुरू करी है। ई सबसे कठिन हुई, सबसे ज्यादा हुई खतरनाक और सबसे रोमांचक भी। बड़ खबर के और बहुत सफलता ई बा की चंद्रयान 2 मिशन के ऑर्बिटर और चंद्रयान 3 के लैंडर के बीच संपर्क स्थापित हो गईल बा। जवना के जानकारी इसरो काल्ह ट्वीट के माध्यम से दे ले रहे, लेकिन अब वो मिशन के उलटी गिनती शुरू हो गिल बा, जहां मामूली गलती के मतलब होला पूरा मिशन बर्बाद हो गिल बा। आई मिशन सॉफ्ट लैंडिंग के बा, अर्थात विक्रम लैंडर के चांद के सतह पर सुरक्षित उतरल, ई पूरा ऑपरेशन एके जिसन बा। ई एक तरह से विमान के लैंडिंग जिसन बा, रनवे जिसे विमान के धीरे धीरे नीचे ले आवल जाला, धीरे धीरे ओकर गति कम कर दिहल जाला, आ ओकरा बाद ओकर लैंडिंग सुरक्षित गति से करी। ठीक हो सही चंद्रयान 3 सुरक्षित लैंडिंग भी सबसे जरूरी बा। आ काल है उहे दिन आवे वाला बा। भारत और चीन जवना के बीच 3 साल से संबंध तनावपूर्ण बा। एकर नतीजा ई बा कि चीन के सीमा पर भारत शांति के समय में सबसे ज्यादा सेना के तैनाती कैले बा। यही बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होके खातिर अब से कब्बो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे वाला बाड़े। एह बैठक में शामिल होके खातिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले ही पहुंच चुकल बाड़न। गलवन के बाद दोनों नेता कई बेर अलग अलग मंच पर मुलाकात भईल, लेकिन कभू द्विपक्षीय बातचीत न भईल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका में होखे वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होखे खातिर नई दिल्ली से जोहान्सबर्ग खातिर रवाना हो गई ले। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन एह मायने में बहुत खास बा कि सबके नजर ए पा बा, लेकिन ई एह बात पर टिकल बा कि 3 साल से नियंत्रण रेखा पर चलत झगड़ा का बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आ पीएम मोदी का बीच आमने सामने के बातचीत होखी कि ना। जहां तक विदेश सचिव के सवाल बातू ना तहां कहले ना इनकार कैले। हो सकेला कि विदेश सचिव साफ साफ कुछ ना कहसु, बाकिर पर्दा का पीछे एह बिठक से पहले तैयारी पूरा जोर शोर से चलत रहुवे। विवादित हिस्सा से दोनों देश के सैनिक के हटावे खाती कमांडरन के बैठक भईल। एह में शांति और सौहार्द से तनाव कम करे, आ गश्त से जुड़ल विवाद के समाधान करे पर सहमति बनल। एह से पहले भारत और चीन के रक्षा मंत्री, दोनों देश के विदेश मंत्री आ NSA का बीच बातचीत भिल बा, लेकिन मोदी जिनपिंग के बीच आमने सामने कवनो औपचारिक द्विपक्षीय बातचीत नइखे भईल। उहो फोन पी। बिहार में कानून व्यवस्था के हालत बहुत पतला देखाई देता। पछिला कुछ दिन में बिहार में बदमाश हत्या के बेतहाशा घटना के अंजाम देले बाड़े। अब दोनों पक्ष के बीच गड़बड़ी के घटना भी भईल बा। बात मोतिहारी के बा। जानकारी के मुताबिक मोतिहारी के 3 थाना क्षेत्र में दुपक्ष के बीच भयंकर झगड़ा भईल। एह झड़प में कई गो पुलिसकर्मी समेत 12 लोग घायल हो गिले। पुलिस के मुताबिक महावीरी आखरा जुलूस पर पत्थरबाजी के घटना के बाद झड़प शुरू भईल। मोतिहारी के महसी, कल्याणपुर और दरपा थाना क्षेत्र में दोनों पक्ष के बीच भयंकर पत्थरबाजी के खबर भी बा। फिलहाल यहां भारी संख्या में पुलिस बल के तैनाती कैल गईल बा। हालात काबू में बतावल जात बा। बिहार के सासाराम अवूरी बिहार शरीफ में ए साल भी रामनवमी के मौका पे हिंसा भड़कल। बिहार शरीफ में भईल सांप्रदायिक हिंसा में एक युवक के मौत हो गई। साथ ही सासाराम से बहुत परिवार पलायन का चुकल रहे। खास बात ई बा कि साल 2018 से 2022 तक रामनवमी के मौका पर बिहार में कतहु हिंसा के कवनो घटना न भईल। एकरा से पहले साल 2018 में बिहार के औरंगाबाद में सांप्रदायिक हिंसा के एगो बड़ घटना भईल रहे। ओकरा बाद औरंगाबाद में पत्थरबाजी अवूरी भयंकर आगजनी भईल। सब दुकान में दंगाई आग लगा देले। औरंगाबाद में सांप्रदायिक हिंसा के ई घटना रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी के बाद भईल। अब पाकिस्तान के बाद कैल जाओ
असल में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के सोशल मीडिया के माध्यम से बतावे के चाही कि जवन दो बिल कानून बन गईल बा, ओकरा पर उनुकर हस्ताक्षर नइखे, अब केयरटेकर सरकार अवूरी, राष्ट्रपति उहां तेज हो गईल बाड़े। पाकिस्तान में राष्ट्रपति आरिफ अलवी के इस्तीफा के मांग बढ़ रहल बा। दरअसल आरिफ अलवी पूरा देश के हैरान कर देले कि वो आधिकारिक रहस्य कानून अवूरी सेना कानून में संशोधन से जुड़ल विधेयक पर हस्ताक्षर न कैले, जवन की कानून बन गईल बा। मतलब पाकिस्तान में राष्ट्रपति दूगो विधेयक पर हस्ताक्षर न किलन और ऊ कानून बन गिल। त दावा के मुताबिक इमरान के समर्थक पहले विधेयक पर हस्ताक्षर किले और फिर अपना के पाक देखावे खातिर झूठ बोले लगले। लेकिन एकरा से पूरा पाकिस्तान के दुनिया में मजाक बना दिहल गईल, ताकि उनुकर पुराण दोस्त इमरान खान के फायदा हो सके। असल में आधिकारिक गुप्त कानून के माध्यम से पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर इमरान तोशाखाना मामला के बाद अमेरिकी केबल से जुड़ल राज एक्ट थोपल चाहत रहले। लेकिन आरिफ अलवी एकरा पर विवाद करे के कोशिश कैले कि ऊ ए विधेयक पर हस्ताक्षर ना कैले, लेकिन पाकिस्तान के संविधान के तहत ई दोनों विधेयक कानून बन गईल। तो भोजपुरी में ई रहल आज के 5 बड़ खबर। कमेंट करके जरूर बताई कि रुआ सबके ई भोजपुरी सेगमेंट किसन लागल।